साहब वो दरिया छोड़ दे, अरे फूल थे इनको कांटा बना दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं परम सद्रेय श्री श्रीनाथ यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबागंज विधानसभा क्षेत्र की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मीटिंग का संचालन कर रहे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई रमेश यादव जी, बहुत ही सम्मानित हमारे जिले के अध्यक्ष भाई गुलशन यादव जी, यहां पर बैठे हुए बहुत ही सम्मानित कई जिलों में जिन्होंने अपने स्कूलों का संचालन कर रखा है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिन्हें प्रतापगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया है, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल साहब जो पूरे एमएलसी हैं, हमारे बीच में बैठे हुए बहुत ही क्रांतिकारी साथी जो लगातार पीडीए की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही सम्मानित रानीगंज के विधायक भाई आरके वर्मा जी, यहां पर बैठी हुई बहुत ही सम्मानित एक पढ़े लिखे घराने से जिनके पति भी सेलटेक्स में कमिश्नर थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जिनके बेटा भी जो है मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर सेलटेक्स हैं, इस समय हमारे बीच में सोराओं की विधायक श्रीमती गीता पासी जी आपके बीच में विराजमान हैं, हमारे बीच में बैठे हुए बहुत ही सम्मानित जिले के महासचिव भाई अब्दुल जिलानी साहब, हमारे कुंडा के विधानसभा के अध्यक्ष भाई केशव यादव जी, और हमारा बेटा जो अभी आपके बीच में अपनी बात को रखे हैं, इनको हमने 5 साल की उम्र से देहरादून में भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। एक बड़ा फैसला हमने लिया था कि अगर हम अपने बेटे को अपने साथ रखेंगे तो हमारा बेटा और नेता का बेटा बिगड़ जाएगा। हमने 5 साल की उम्र से इनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। कक्षा 12 तक जब ये देहरादून से पढ़ चुके तो इनको हमने सीधे लंदन भेजने का काम किया। लंदन से पढ़ाई कर आए हुए पुष्पेन सरोज, हमारे बीच में बहुत से सम्मानित साथीगण यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा, आज इस धरती पर हमारे बीच में मौजूद नहीं है, ये बाबागंज की धरती पर वो जेल की सलाखों के अंदर बैठे हैं, जिनके साहस से हम भी 2019 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, बहुत ही सम्मानित छविनाथ यादव जी और गुलशन यादव जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, अगर इन लोगों ने साहस न दिलाया होता तो हम कुंडा और बाबागंज की धरती में चुनाव लड़ने के लिए ना आते साथियों। हमारे बीच में बैठे हुए धीरज यादव जी जिला उपाध्यक्ष, प्रदीप सरोज जी प्रदेश उपाध्यक्ष एससी एसटी प्रकोष्ठ, हमारा बहुत ही तेजतर्रार साथी विनीत यादव यहाँ पर खड़े हैं, अभिषेक यादव भी यहीं होंगे, जिनकी आराम मशीन तक लोग बाद में खोल ले गए जो है। पिछले चुनाव में
लल्लू लाल पाल जी ब्लॉक अध्यक्ष काला काकर, हरीश चंद सरोज जी जिला उपाध्यक्ष, बीरेन सरोज जी ब्लॉक अध्यक्ष, भागीरथी जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, प्रमोद पासी जी राम आश्रय सरोज जी जिला पंचायत सदस्य, भाई पिताई लाल मौर्या जी, भाई यहाँ पर बंसी पासी जी भी बैठे होंगे, कमलेश मधुकर जी जिला पंचायत सदस्य, राजू यादव जी हमारे भवानी का पूर्वा, रामचंद पहलवान जी, प्रभाकर त्रिपाठी जी, अजय मौर्या जी, और में जमीन देने का काम किए, ऐसे सम्मानित साथीगण हैं जिन्होंने यहाँ पर सहयोग किया, दीपक यादव जी, जयप्रकाश यादव जी, राजू यादव जी और यीशु यादव जी, कुशल यादव जी, आजाद जी, शुभम जी, अतुल जी, इनका हृदय की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, दिलीप गौतम जी, गोविंद सरोज जी, मिराज अंसारी जी, मुन्ना लाल यादव जी, सुशील गौतम जी, अभिषेक मिश्र जी, शुभम मौर जी, अजय कुमार यादव जी, शहाबुद्दीन जी, दिलसाद जी, और यहाँ पर बहुत से साथी बैठे हैं जो हमारे साथ इधर चल के आए हैं, जिले के अध्यक्ष कौशाम्बी के दयाशंकर यादव जी, भाई आनंद मोहन सिंह पटेल जी, परवेज अख्तर अंसारी जी, भाई रमाकांत पटेल जी, दूधनाथ पटेल जी, और जो हमारे एक आदेश पर रातों दिन इधर लगे हैं, भाई देवकली प्रसाद रावत जी जो लखनऊ के साथी हैं, जो पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे वो लगे हैं, खिन्नी लाल पासी, राकेश पासी और मुजीब खान, ऐसे बहुत से साथी हैं, मंचा सिंह जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, ऐसे सभी सम्मानित साथियों का, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी साथियों का, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी साथियों का, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी साथियों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, नौजवान अपने बेटे और बेटियों का, पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों 2019 में समाजवादी पार्टी में एक लंबे अंतराल के बाद, मुझे याद है आज भी वो सन, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से 1993 में, समाजवादी पार्टी से 1993 में कभी सुरेश पासी जी इस क्षेत्र के विधायक हुए थे जो, और 1993 के बाद एक लंबा गैप हुआ, समाजवादी पार्टी ने कभी अपने कैंडिडेट को खड़ा करने का काम नहीं किया था। यहां पर समाजवादी पार्टी में दूसरे लोग सहयोग लेने का काम किए, वो विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, लोगों का मनोबल टूट गया। जब 2019 में आदरणीय गुलशन यादव जी, आदरणीय छविनाथ यादव जी, केशव यादव जी, रमेश यादव जी, भागीरथ यादव, विनीत हो, अभिषेक हो, ऐसे तमाम लोग, रामाशंकर हमारे शास्त्री जी हों, बुढ़ौती में तमाम लोगों ने जब सहारा दिया, हम चुनाव लड़ने के लिए आए, लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो कुंडा में हमें 45,000 वोट मिला और बाबागंज में 39,000 वोट मिला। 45,000 वोट और 39,000 वोट हम पाए यहां पर, लेकिन जो आवाज को हम लोगों ने 19 में बुलंद किया और लोगों का जमीर जागा, लोगों ने अपनी वोट की कीमत को पहचाना, 2022 में जब चुनाव हुए तो जहां कुंडा में 45,000 वोट हमें मिले थे, आदरणीय गुलशन यादव जी को 70,000 लपेट में वोट मिले वहां पर, और बाबागंज में जहां 39,000 वोट हमें मिले थे,
वहां 51,000 वोट मिले जो है, ना 51,000 वोट मिले यहां पर जो है, तो बात को आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है और लोगों को जगाने का काम किया है। आज 24 का चुनाव है, मुझे पूरा भरोसा है, हर धर्म जात के मजहब के लोगों ने जिस तरह ठाना है कि देश से बीजेपी को भगाना है और देश में समाजवाद लाना है, तो अब की बार कुंडा और बाबागंज की धरती में लाख लाख वोट से ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। आज देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये सही कहा है आदरणीय एसपी सिंह पटेल जी ने या और अन्य साथियों ने, कि आज तक मोदी जी सही बोले नहीं है। यार एक इंटरव्यू में कहे कि मैं पढ़ा ही लिखा नहीं था, सही बता रहा। मुझे लगता कौन, राजीव शुक्ला थे, राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में कभी उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं घर छोड़ के चला गया। और जब लोगों ने उनकी डिग्री पूछा तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी एमए किए हैं। क्यों भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है एमए किए हैं, पता नहीं झूठ की डिग्री बनवाने का काम लोग किए, लाने का काम किए साथियों। मोदी जी के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली 2014 में शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री की डिग्री पूछा गया, आज तक डिग्री का पता नहीं चला साथियों जो, तो ये झूठे लोग हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, 2014 में जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो मोदी जी के लिए नारा लगा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। भाइयों बहनों, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, ये मोदी जी ने कहा था। भाइयों बहनों, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो बैंक में जाकर खाता खुलवा लेना, ये मोदी आपके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज देगा। गरीबों ने खाता खुलवाया है, आप लोग भी खाता खुलवाए होंगे, आज तक 15 रुपया 10 साल में नहीं आया साथियों, तो मोदी जी ने झूठ बोलने का काम किया। कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई को खत्म करने का काम करेंगे, और जब कांग्रेस की हुकूमत थी 450 का गैस का सिलेंडर मिलता था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी नेत्रियां सर में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रही थी। 450 से सिलेंडर घटा नहीं बल्कि 900 के ऊपर हो गया है, 900 के दूना सिलेंडर जो है ऊपर चला गया। कांग्रेस के समय में 56 रुपया लीटर डीजल होता था, आज 90 रुपया लपेट में डीजल बिक रहा है साथियों, महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल 72 रुपया लीटर मिलता था, आज 96 से लेकर 98 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है साथियों। और किसान भाइयों, 50 किलो की यूरिया की बोरी होती थी, घटके 40 किलो हो गई और दाम आसमान पर चले गए, तो यूरिया की बोरी में भी चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया साथियों। किसान बर्बाद हो गया, नौजवान बर्बाद हो गया, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, ये मोदी जी की नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। 5 किलो राशन आपको मिलता है महीने में, एक आदमी को 5 किलो का राशन मिलता है महीने में। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल होगा, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होगा, और मोदी जी उस मोबाइल का
जियो सिम से लेके सबका प्रचार किए, बीएसएनएल का भट्टा बैठा दिए जाए। हमारे पास कोई लेखा जोखा है कि ये कंपनियां हमारे मोबाइल में कब जो है रिचार्ज खत्म कर देती है? किसी के पास लेखा जोखा नहीं है और बेतहाशा रुपया हमसे वसूलने का काम कर रहे हैं। पहले तो मोबाइल था नहीं, पहले तो सिलेंडर था नहीं, लकड़ी का अंडा से भी खाना बना लेते थे। आज मोबाइल में हर व्यक्ति का रुपया जा रहा है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी। अब पहले तो कटिया लगा के बिजली जला लेते थे, अब तो घर घर मीटर लग गया। अब तो घर घर मीटर लग गया, बेतहाशा बिजली का बिल आ रहा है। और जो लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, एक दिन उनकी खेती नीलाम हो जाएगी, वो जेल की सलाखों के अंदर चले जाएंगे। अगर अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री बने होते 2022 में, तो हम आपके बिजली का बिल माफ करा दिए होते और मीटर को उखड़वा के फेंकवा दिए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ये काम नहीं करेंगे। मोदी जी कहते थे हर घर में शौचालय होगा, हर घर में शौचालय होगा। क्या गांव का एक भी शौचालय चल रहा है आज? लकड़ी कंडा रखा होगा, लकड़ी कंडा रखा होगा हर घर में जो शौचालय बने। कोई शौचालय नहीं चल रहा साथियों जाए। इतना घटिया शौचालय सरकार ने बनवाने का काम किया है। जाके पैर ना फटी बेवाई, बेवाई जानते हो कि नहीं? जाके पैर ना फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। जो लोग महलों में रहे हैं, जो लोग शहरों में रहे हैं, वो गांव की गरीबी को जो है और गरीबों को जानने का काम नहीं करते साथियों जो। गरीब कैसे जिंदगी गुजर बसर करता है जो है? आज ये देश में हमारे गरीब लोग बेहाल हैं। उनके दवाई के लिए पैसा नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उनके बेटी और बेटों को शादी करने के लिए पैसा नहीं है। आज इतना जो है गरीबी आ गई है इस देश के अंदर साथियों, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण है। इसलिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का मौका आप लोग बहुत दे चुके हैं। ऐ सब समाज के भाइयों, आए अगले भाइयों, आए पिछड़े भाइयों, आए दलित भाइयों, आए मुस्लिम भाइयों, एक बार इस देश में तरक्की, खुशहाली और बेरोजगारी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दीजिए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जिताने का काम करिए, सरकार बनाने का काम करिए। आज घूसखोरी चरम पर है, आज घूसखोरी चरम पर है। थानेदार घूस लेता है, वीडियो घूस लेता है। बताइए ना, गरीब को कॉलोनी किसको मिलती है? जो गरीब 20,000 रुपया घूस देता है, जो गरीब 20,000 रुपया घूस देता है उसे कॉलोनी मिलती है, नहीं तो गरीब को कॉलोनी नहीं मिलती। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कचहरी में घूसखोरी है, डीएम के यहाँ घूसखोरी है, एसडीएम के यहाँ घूसखोरी है, हर जगह घूसखोरी का आलम है। और प्रतापगढ़ के लोगों, तो आपकी तो सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तो ज्यादा घूसखोरी का आलम है, ज्यादा दबंगई। यहाँ अन्याय अत्याचार की आंधी है, दुराचार की आंधी है। यहाँ पर जो है आए दिन हत्याएं होती हैं, आए दिन लूट होती है, आए दिन चोरी होती है, आए दिन बलात्कार होता है। हमारी आपकी कोई सुनने वाला नहीं, बल्कि रमेश जी, विनीत जी, हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लादा जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लादा जाता है। आज गुलशन यादव पर फर्जी मुकदमा, आज छविनाथ यादव पर फर्जी मुकदमा, ये अभिषेक का आरा मशीन उखाड़ के फेंक दिए। यहीं पर जो है विनीत हो, चाहे रमेश हो, चाहे जो है ये हमारे जो है केशव यादव जी के ऊपर भी मुकदमा लादा, मनोज पासी के ऊपर जो है, प्रमोद पासी के ऊपर भी मुकदमा लदा साथियों जो है। तमाम ऐसे हमारे नौजवान साथी हैं, समर्थक साथी हैं, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा की बाढ़ आ गई है। 2700 दिन दूर नहीं है, आप किताबों में लिख लेना, कापियों में लिख लेना साथियों जो है,
दिया जाएगा। 27 में सूद ब्याज सहित हिसाब कर दिया जाएगा। 27 में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता जाए। 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भारत की जनता जाग चुकी है एसपी सिंह जी, मैं कहना चाहूंगा बड़ा अंडर करंट है, बड़ा अंडर करंट है। लोग डरे सहमे हैं, लेकिन मन बनाए हैं कि ऐसे जो ताना साहब भारत की गद्दी पर बैठे इनको उखाड़ कर फेंक देंगे और कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। साथियों, इतना अंडर करंट है जो है, जगह जगह लोगों में उत्साह है। आज हमारे पिछड़े भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई और यहाँ तक कि श्रवण भाई, ब्राह्मण भाई, क्षत्रिय भाई, वैश्य भाई, ये तमाम लोग हैं जो मन बनाए हैं, भाजपा के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 20 को हमारे लिए और 25 को एसपी सिंह के लिए बटन साइकिल की दबाने वाले हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, जाए देखिए, परेशानी तो आती जाती है। मैं वहीं इसका मुकदमा चुनाव लड़ा संग्रामगढ़ में, एक मुकदमा महेशगंज में, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा हाथीगावा में, जो आज भी चल रहा है। मुझे हाई कोर्ट से स्टे मिला है, नहीं तो मेरी तो विधायकी लेने वाले थे 2 साल की सजा करा के। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उच्च न्यायालय लखनऊ को कि उन्होंने स्टे देने का काम किया और मेरी विधायकी बच गई, मैं जेल जाने से बच गया। साथी, तो मुकदमा तो सभी झेल रहे हैं, जो झेलना पड़ेगा। जो है हम लोग सत्ता के खिलाफ जंग लड़ने वाले सिपाही हैं, आप हम सब जो है सिपाही हैं। और याद रखिए, जब भाजपा की सरकार बदलेगी तो यही लोकतंत्र सेनानी घोषित हो जाएंगे साथियों, और इनका सम्मान भी होगा जो है। इसलिए सारे समाज के भाइयों और विशेष तौर पर मैं कुर्मी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, 10 टिकट अखिलेश जी ने कुर्मी समाज को 80 में 10 दे दिया। क्यों एसपी सिंह 80 में 10 टिकट कुर्मी समाज को दे दिया, पाल को भी दे दिया, राजाराम पाल को भी दे दिया, मौर्या को कई टिकट दे दिया, शाक्या सैनी मौर्या को कई टिकट दे दिया, सभी को तो दे दिया, छत्री को दे दिया। वहां जो है हमारे मऊ में भूमिहार ब्राह्मण होते हैं भाई, गलत हुए तो बताओ, जो उनका सर्टिफिकेट मिले थे भूमिहार ब्राह्मण, तो भूमिहार ब्राह्मण को भी टिकट दे दिया। और बैस में बरेली में दे दिया जो है, और रुचि बीरो तो बैस है जो है, मुरादाबाद वाली जो जिलानी साहब की कैंडिडेट है जो है, तो वो भी बैस है जो है। नहीं, ये आजम खान जी के बहुत करीब है जिलानी साहब, तो इन्होंने टिकट दिलाया रुचि बीरा को जो है, तो वो भी बैस है। सभी लोग, सभी जात धर्म के लोगों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने गुलदस्ते में सजा कर रखने का काम किया। इसलिए सर समाज के भाइयों, इकट्ठा हो जाओ, जाग जाओ, अब समय आ चुका है, गुलामी को खत्म कर दो जो है, और स्वतंत्रता की जो है आजादी लाने का काम करो, स्वतंत्रता लाने का काम करो, आजाद जो है होने का काम करो। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक शब्द कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, एक दिन गुलाम अपनी जो है जंजीरें खुद तोड़कर फेंक देगा। तो कुंडा बाबागंज के लोगों, आप लोगों को एहसास हो चुका है, अब आप लोग जंजीर को तोड़ने में लगे हैं और अब की बार जंजीर को पूरी तरह तोड़कर फेंक देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों जो है, मैं सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहूंगा, आयोजक साथियों से कहना चाहूंगा, आए हुए लोगों से कहना चाहूंगा, एक एक कड़ी रोज आप लोग बढ़ाने का काम करिए जो है, अब आपको कोई डरा नहीं सकता, अब आपको परेशान कोई नहीं कर सकता जो है, अब आप जग चुके हैं और इतने लोग जग जाइए जो है कि लोग गिनते रह जाएं और उनके ऊपर कोई कार्यवाही ना करा सके। इस कड़ी को इतना आगे बढ़ाने का काम करिए, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं समय का जो है पाबंद आदमी हूं, 3 बजे तक हमारा परमिशन है,
ज्यादा परमिशन होता तो लंबे समय तक बोलते, हम बराबर आते जाते रहेंगे। अभी हमारा टिकट नहीं घोषित हुआ है। एसपी सिंह पटेल जी जो है बहुत भाग्यशाली है, 6 महीना पहले, एक साल पहले जो है टिकट आपका घोषित हो गया जो है। आरके वर्मा जी, रामाकांत पटेल जी, अमरनाथ मौर्या जी फूलपुर में तीनों झूल रहे हैं अभी। टिकट के लिए मैं भी झूल रहा हूं अभी टिकट के लिए। हम लोगों का टिकट अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इस मौके पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आए और संदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी का देने के आए हैं, जिनके ऊपर सीबीआई रोज चाबुक चलाती है, जिनके ऊपर ईडी रोज चाबुक चलाती है, और वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के लाल ने ठाना है कि दुनिया झुक जाए लेकिन अखिलेश झुकने वाले नहीं है। मैं बराबर अखिलेश यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने जो है सरेंडर करने का काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन पार्टियों के नेता झुकने का काम नहीं किए। इसलिए आप लोग ऐसे नेताओं का हौसला बुलंद करने के लिए, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हो पंजे पर वोट देने का काम करना, और जहां साइकिल के जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो वहां साइकिल की बटन दबाकर जिताने का काम करना, यही आशा उम्मीद लेकर आपसे जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नीतीश सरोज, अखिलेश यादव।